वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एसवी ब्लॉग में। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं फतेहगढ़ से, देखते रहिएगा हम लोगों का ब्लॉग। अभी हम लोग यहाँ से शुरुआत कर चुके हैं, अभी रास्ते में हैं। तो आज की जो प्रोग्राम है, आज का जो जगह है वो है कांस पहाड़ डैम। यहाँ से करीबन 32 किलोमीटर है और देखते हैं 32 किलोमीटर में। ओ भाई क्या साउंड कान फाड़ देती है साला मेरा। तो बंद होकर दुकान भी बंद है, मुझे हैंड ग्लोव भी लेना है, हाथ खाली है, अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो हैंड ग्लोव ले लेते हैं राइडर वाला। तो मेरे फर्टिलाइजर वाले मेरे दोस्त जो भी हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हाय लिख के भेजिएगा। तो यहाँ से थोड़ा रंगीला चौक का हिस्ट्री बिगड़ चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान दें कृपया। रास्ता बन रहा है, रिपेयरिंग चल रहा है, लोगों का भीड़ बना रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग भी भीड़ बना के रखेंगे। तो आगे का वीडियो इसी तरह देखते रहिएगा। और जाके मिलते हैं पानपोस्ट में मेरा एक तो फ्रेंड मिलेंगे साथ में, वहाँ से हम लोग 3 जन साथ में जाएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे ऊपर में कुछ कैमरास लगे हैं सेफ्टी के फ्यूचर्स के हिसाब से। अब ये जो ये यहाँ पे कैमरा लगा है, अगर आप स्पीड लिमिट से ऊपर गए, यहाँ पे दिखाया भी है गाड़ी का स्पीड है 60 एंड बाकी व्हीकल्स का है, सब गाड़ी का अलग अलग स्पीड लिमिट दिया गया है। अगर उससे अगर आप ज़्यादा स्पीड में जा रहे हो तो आपकी चालान आरटीओ वाला काट ही लेगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, और डायरेक्ट आपके मोबाइल में मैसेज आएंगे। का डैम जो कि वहाँ पे काफ़ी सारे लड़के फोटो वोटो खींच रहे हैं। यहाँ पे इस डैम का 1, 2, 3, 4, 5 को गेट है। चलिए अब मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कांस बहाल डैम। तो अभी का जो व्यू है, अभी हम लोग कांस बहाल डैम में हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग गेट के पास में खड़े हैं और यहाँ पर हम लोग अभी ब्लॉग बनाएंगे, तो देखते रहिएगा सिनेमेटिक शॉट के साथ कैसा लग रहा है।
यहाँ पे आप देख सकते हो एक बोट वाला यहाँ पे बोटिंग कर रहा है, शायद इतना क्लियर नजर नहीं आ रहे हैं पर यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं वहाँ पे। और ये छोटा सा टापू काफी बढ़िया लग रहा है। तो इस तरह से वेदर प्रूफ है, यहाँ पे कुछ वीडियोस बना रहे हैं मुझे डैम साइड का है नीचे का, काफी ब्यूटीफुल लुक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सारे गेट्स हैं, यहाँ पे एक दो तीन चार, और यहाँ से सब पानी बहते हुए जाता है। काफ़ी बढ़िया जगह बनाया गया है और वहाँ पे काफ़ी सारे पत्थर हैं। और यहाँ से ऊपर हम लोग के फ्रेंड लोग फोटो वोटो उठाएंगे। यो ब्रो यो। और हम लोग थोड़ा सा नीचे से देखेंगे डैम का नज़ारा, यहाँ से आप लोग काफ़ी शानदार नज़ारा देख पा रहे होंगे। यो यहाँ एक गेट है, वहाँ एक गेट है, करीबन यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच तो गेट है। और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया जगह बनाया गया है और ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से तिरछा हुआ फ्लैग। हाँ चलो तो फ्रेंड्स अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। आना जाना चलना मुश्किल हो जा रहा है। ओ, आ, खाबाश। तो फिलहाल अभी जो सीन नज़र आएंगे वो है कुछ इस तरह के जो आपने और मैंने कभी सोचा ही ना होगी। तो चलो ना सोचते हुए भी बैठ के देखते हैं नज़ारे। और अभी मेरा कैमरा का एंगल ऊपर होने वाला है तो वाओ, ये है अनोखा जगह जहाँ से हम लोग बैठ के आराम से फोटोग्राफी कर सकते हैं। चारों तरफ पत्थर है बट हाँ एक चीज़ है, ये हर रोज गेट बंद रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी भी आ जाओ, पहले देख लो सिचुएशन क्या है। अभी बेहतर है क्योंकि बारिश का मौसम नहीं है, पानी कम है और हम लोग डैम के सामने आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी का लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है तब जाके गेट खोलता है। ओके तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, मेरे जैसे मस्ती मजाक करते हुए दौड़ते हुए मत आना। और यहाँ पे कुछ पत्थर वत्थर है, मेरे दोस्त लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे मटर गश्ती कर रहे हैं सब कोई, वो लोग उधर फोटो खींच रहे हैं, मैं इधर फोटो खींच रहा हूँ। सो अभी हम लोग डैम के पूरे फ्रंट में हैं। ओह मेरा आ गया चेस्ट का सामने में ही, अभी मैं थोड़ा उनके पास जा रहा हूँ और कुछ वीडियो वीडियो फोटो वोटो उठाएंगे और देखते हैं, देखते नहीं हैं हम दिखाएंगे। सो ब्यूटी वाटर 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 ब्रो। अबे गेट खोली चले दौड़े अपने रास्ता खोजी था अब ब्रो। हेलो गाइस, हम लोग आज बहुत मस्ती किए हैं और देख पा रहे हैं हम लोग का हालत पसीने से निकल के ज़मीन में टपक रहा है, और देख भी सकते हैं शाम भी हो चुका है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। एंड एसबी ब्लॉग में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हम लोग यहाँ पे कासबाल में घूम चुके हैं और काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी दिए हैं और आप देख लीजिएगा। सो हम लोग यहाँ पे बैठ के काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे नदी का आनंद उठा रहे हैं और यहाँ पे सूरज भी डूब चुका है, ऊपर में सूरज है ना कुछ नहीं, अभी रात होने वाली है और हम लोग यहाँ पे बेफिक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं। ब्लॉग में मिलते हैं, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो टिल देन एंड बाय।